अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खालिद नाजी शाह और आप देख रहे हैं द जनाब टाइम्स। आज खबर जो है ज़िला डोडा के भलेसर इलाके से आ रही है। वहाँ के बीडीसी चेयरपर्सन ने साथ ही साथ वहाँ के पंच और सरपंच हजरात ने आने वाले बैक टू विलेज प्रोग्राम के थर्ड फेज को बाइकआउट करने का फैसला किया है। इसके मुताबिक जो है आज वहाँ पर दिन भर एहतजाज भी किए गए। मेरे पीछे आप बखूबी देख सकते हैं किस तरह वहाँ के पंच और सरपंच हजरात ने मिलकर वहाँ के इस प्रोटेस्ट में शमूलियत की। साथ ही साथ उनका ये कहना था इस प्रोग्राम के मुताबिक कि ये प्रोग्राम जो है सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रोग्राम है, क्योंकि इससे पहले भी बैक टू विलेज फेज़ फर्स्ट और बैक टू विलेज फेज़ सेकंड का भी प्रोग्राम किया गया था। उन फेजेस के अंदर जो है काफ़ी सारे मुद्दों को सामने रखा गया, लेकिन उन मुद्दों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब चूंकि फेज़ थर्ड भी आ रहा है इस बैक टू विलेज प्रोग्राम का, उसके अंदर इन लोगों ने जो है शमूलियत करने से साफ साफ मना कर दिया है। उसके अलावा वहाँ के बीडीसी चेयरपर्सन का कहना है कि ये प्रोग्राम जो है सिर्फ वक्त की बर्बादी के साथ साथ पैसे की भी बर्बादी करता है। आइए हम मजीद उनसे जानते हैं कि उनका इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना है। जो हाल उनका हुआ, हमें लगता है वही हाल इसका भी होने जा रहा है। मुझे लगता है कि बैक टू विलेज थर्ड जो है ये एक फ्लॉप शो है, जिसकी वजह से लोगों की तमाम तवज्जो जो है असली मुद्दों से हटाने के लिए सरकार इस किस्म के इकदाम करती है। हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि फिलफौर इस किस्म की एक्टिविटी जो बंद की जाएँ, क्योंकि इससे आवाम को धोखा लगता है। क्योंकि 18 से हम प्लान बना रहे हैं और 18 में प्लान हमने 14 बनाया, 20 में उसको चेंज करने का काम सरकार ने किया। ऊपर से ही लेटर निकाला कि नहीं जी इसको चेंज करो, ये ज़्यादा था ये कम कर दो। इसी तरीके से 15 का प्लान 20 दिन पहले इन्होंने बनवाया और 20 दिन के बाद उन्होंने कहा इसको चेंज कर दो। अगर सरकार ने ही सब कुछ करना है तो पंचायत राज का फायदा क्या है? पंचायत राज को क्यों ये कर रहे हैं फिर? ये तो इसका मतलब है पंचायत राज को जलील करने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो हमें हमारी सरकार से ये निवेदन है, गुजारिश है, आप इस किस्म की एक्टिविटीज़ को फौरन बंद कर दीजिए। और एलजी साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि बैक टू विलेज थर्ड जो है हम आज बाइकआउट करने जा रहे हैं। हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमको बाइकआउट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड का हाल हुआ वही आज भी होने जा रहा है। हमको कहा 10 लाख का काम आप शुरू कर दीजिए, 4 दिन के बाद उसका ऑर्डर आया कि नहीं जी आप बंद कर दो, जबकि हमने कुछ काम कर भी दिए। इसी किस्म का रवैया जारी रहा तो हमें नहीं लगता है कि हम इस पंचायत राज को सपोर्ट कर पाएंगे। हमको इस्तीफा देने के सिवा और कोई चारा नहीं है।